एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ऑप्टोमेट्री क्यूरोसिटी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अराइडो डायलिसिस। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अराइडो डायलिसिस, इट्स प्रेजेंटेशन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अराइडो डायलिसिस, सेपरेशन ऑफ द आयरिस बेस फ्रॉम द सिलरी बॉडी ड्यू टू ब्लड ट्रामा और सर्जरी। तो अराइडो डायलिसिस क्या होता है? सेपरेशन ऑफ द आयरिस बेस फ्रॉम द सिलरी बॉडी इज नोन एज अराइडो डायलिसिस। ठीक है, ये किस वजह से होता है? ब्लड ट्रामा और सर्जरी की वजह से अराइडो डायलिसिस होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आईबॉल होती है, उसमें जो आयरिस है वो सिलरी बॉडी से अलग हो जाता है। इसमें सिलरी बॉडी को हम ऐसे देखेंगे कि ये हमारी आयरिस है, ठीक है, एंड ये वाला पोर्शन है सिलरी बॉडी, ठीक है, जब ये आयरिस और सिलरी बॉडी सेपरेट हो जाती, यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, तो इसको हम अराइडो डायलिसिस कहते हैं। तो ये किस किस वजह से सेपरेट हो सकते हैं? ये किसी ट्रॉमा और सर्जरी की वजह से सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ द आयरिस बेस फ्रॉम द सिलरी बॉडी इज नोन एज अराइडो डायलिसिस। ओके, ये हम देख सकते हैं, इसमें देखिए आप, ये आयरिस है, यहाँ से ये सेपरेट हो गई आयरिस। ओके, देन प्रेजेंटेशन की बात करें तो पॉसिबल कंप्लेंट ऑफ मोनोऑक्युलर डिप्लोपिया, पेशेंट मोनोऑक्युलर डिप्लोपिया कंप्लेन करता है या पेशेंट को डिप्लोपिया की प्रॉब्लम होती है। डिप्लोपिया मीन्स डबलिंग ऑफ विजन, जो डबल डबल जो ऑब्जेक्ट डबल डबल दिखते हैं उसको हम डिप्लोपिया कहते हैं। और ग्लेयर ड्यू टू करेक्टोपिया और पॉलीकोरिया, पेशेंट को ग्लेयर की प्रॉब्लम होती है ड्यू टू करेक्टोपिया। करेक्टोपिया मीन्स इसेंट्रिक प्यूपिल, प्यूपिल फॉर एग्जाम्पल ये प्यूपिल है तो प्यूपिल थोड़ा सा इसेंट्रिक हो जाएगी, अपने स्थान से हट जाती है, इसको बोलते हैं करेक्टोपिया। एंड पॉलीकोरिया मीन्स मोर देन वन प्यूपिल, इसमें एक प्यूपिल ये है और एक ये है, ये हो गया पॉलीकोरिया। मोर देन वन प्यूपिल, एक से अधिक प्यूपिल होगी तो उसको हम बोलेंगे पॉलीकोरिया। ओके, तो पेशेंट इसमें डिप्लोपिया डबलिंग विजन का कंप्लेन करेगा एंड ग्लेयर होगा, पेशेंट को ग्लेयर की प्रॉब्लम होगी एंड ड्यू टू करेक्टोपिया एंड पॉलीकोरिया। डेसेंस में भी स्मॉल और इन्वॉल्व द आयरिस रूट फॉर 360। जो सेपरेशन डेसेंस में सेपरेशन में भी स्मॉल, ये स्मॉल भी हो सकता है एंड इन्वॉल्व द आयरिस रूट फॉर 360, पूरी आयरिस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। मीन्स ये आयरिस है, जब ये पूरा 360 है, ये 360 है, ये पूरा इन्वॉल्व होगा, या तो ये छोटा भी, ये जो सेपरेशन है वो सिर्फ एक छोटे से एंगल पर हो सकता है, ठीक है। मतलब डेसेंस जो है, सेपरेशन जो है वो छोटा भी हो सकता है और पूरा 360 भी इन्वॉल्व हो सकता है आयरिस का। ओके, अराइडो डायलिसिस इज ऑफन एसोसिएटेड, अराइडो डायलिसिस इज ऑफन एसोसिएटेड विथ हाइफीमा। हाइफीमा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ब्लड इन एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर में ब्लड आ जाता है, इसको हम हाइफीमा बोलते हैं। एंड ट्रामा सिक्वल, तो ये इसमें क्या होता है कि जो किसी ट्रामा की वजह से अराइडो डायलिसिस हो सकता है एंड हाइफीमा इसमें देखने को मिलता है। ओके, मैनेजमेंट की बात करें, जो स्मॉल डायलिसिस होगा, इसमें स्मॉल सेपरेशन होगा तो इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, नो ट्रीटमेंट। एंड लार्ज डायलिसिस में मे रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन, इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर है, सच एज द एमसी कैनाल सुचरिंग टेक्निक। इसमें एमसी कैनाल सुचरिंग टेक्निक यूज होता है टू रेमेडी विजुअल प्रॉब्लम एंड टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ साइनेकिया। तो इसमें जो साइनेकिया की प्रॉब्लम, साइनेकिया क्या होता है? साइनेकिया जो होता है वो इसमें जो आयरिस है वो किसी अदर ऑक्युलर स्ट्रक्चर से जाके कनेक्ट हो जाती है या अटैच हो जाती है, उसको हम साइनेकिया बोलते हैं। तो इसको लार्ज डायलिसिस जो है उसको हम, लार्ज डायलिसिस जो होता है, लार्ज सेपरेशन हो गया है अगर आयरिस का, तो उसमें हमें सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर होता है। एंड इसमें जो कौन सी टेक्निक यूज़ होती है? एमसी कैनाल सुचरिंग टेक्निक यूज़ होती है। ओके, टू प्रिवेंट द
Chanakya, formation of Chanakya. Okay, तो ये है अराइडोडायलिसिस. इसमें आपको दो दो प्यूपिल दिख रही है, तो ये आपको पॉलीकोरिया की कंडीशन दिख रही है. ओके ओके, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. ओके, थैंक यू.